तो इसके हवाले से भी अब हमें एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंट्रीज को मैं आप शो करता हूँ वाया माई सोल्यूशन, ठीक है। तो जरा उस सोल्यूशन को गौर से देखिएगा, अगर आपके पास किताब है तो अपनी अपनी किताब को खोल लें अलहदा से, ताकि आपके सामने क्वेश्चन भी हो और आंसर भी हो, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेशन दैट आई कैन शो यू अ वन विंडो एट वन पॉइंट इन टाइम। अगर आप यहां पे कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अमार अली कहाँ बैठे हुए हो? आमिर अली, जी सर आउटसाइड द विलेज है ये एरिया, और यहाँ पे सिग्नल का बहुत इशू है, तो ये जरा फिर आउटसाइड में बैठा हूँ इसलिए जरा प्रॉब्लम समझ नहीं लगी कहाँ बैठे हो हो। रही है सर। हमारा विलेज है जरा सिटी से दूर, तो यहाँ पे सिग्नल का बहुत इशू है, चलो कोई बात तो नहीं, चलो ये गांव से जरा दूर आके सिग्नल जाते हैं ठीक है तो वहाँ ठीक पे। है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जहां भी बैठे हो ठीक ही बैठे हो। ओके थैंक जी। अब मैंने ये शेयर किया है, देखिएगा आपको ये चीज नजर आ रही है। सर। यस सर। चलें अब इसमें देख लें, आपको ये जो इसकी विजिबिलिटी है वो भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलें सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि वी आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, बट बिफोर प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर दी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग दी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बाय द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड जस्ट इन ऑर्डर टू मेक एन अपडेशन इन दी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ओके। तो हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री थी इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से, जिसमें कंपनी क्या कर रही थी कि कंपनी ने जो है वो 1800 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था एंड दे हैव पेड दिस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो हमने 1800 को 2 पे डिवाइड किया तो पर एनम हमारे पास जो अमाउंट आई वो 900 की आई। तो इसका मतलब है 900 वर्थ ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने इसको ट्रांजेक्शन कहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिटेड बाय 900 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज हैविंग टू इफेक्ट, वन ऑफ इट शुड बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड अदर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। सो इंश्योरेंस एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस मीन दैट द वैल्यू ऑफ योर एसेट विल रिड्यूस बाय 900 एंड वी हैव टू शो दिस रिडक्शन इन द बैलेंस शीट। फिर सेकेंड हमारी ट्रांजेक्शन थी डेप्रिसिएशन के हवाले से, तो हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिटेड बाय 3000 एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 3000। सो दिस एक्सपेंस विल बी द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, हाउएवर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बिकम द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट बिकॉज वी हैव टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू ऑफ योर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एंड रिमेंबर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ द एसेट। फिर हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन ये थी कि कंपनी ने कुछ बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है, और वो जो कंपनी का बैंक लोन है वो कितना है, राउंड अबाउट ऑफ 8000 कंपनी ने बोरो किया हुआ है एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे कॉस्ट एट द रेट ऑफ 9% विच इज 720, ठीक है। और कंपनी ने ये लोन लिया था 31st ऑफ दिसंबर को और टोटल हमारे डेज बनते हैं 31st, तो इसका मतलब है वी हैव टू कंप्यूट दिस कॉस्ट दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो वी हैव टू कंप्यूट दिस कॉस्ट फॉर 1 month विच इज इक्वल टू $60। अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बाय 60। अब बैड एड एक्सपेंस के हवाले से ये है कि हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल है 12000 है, 3% ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज बैड विच इज 360 एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग अ $30 ऑफ डेबिट बैलेंस विच विल बी एडेड, सो द अलाउंस सो वी हैव टू क्रिएट अ अलाउंस फॉर 390।
So bad debt expense will be debited by 390 and allowances for bad debts is going to be credited by 390. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये था कि 2000 के नोट रिसीवेबल्स हैं, इस पे 8% सेलर चार्ज कर रहा है विच इज इक्वल टू 160 एंड वी हैव टू चार्ज अ रिटर्न फ्रॉम यू कैन से दैट इज ऑफ फ्रॉम 2nd ऑफ नवंबर टू 31st ऑफ दिसंबर सो 29 डेज ऑफ नवंबर एंड 31 डेज ऑफ दिसंबर टोटल इज 60 डिवाइडेड बाय 360 विल बी इक्वल टू 26.67 टू होम हम ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ईजनेस दैट इज ऑफ 27 तो इसमें हमने कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 27 ठीक है अब लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के हवाले से ठीक है तो ये जो अब हमारे पास परचेजेस आ रही हैं हमने क्या किया कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज है 22,000 का परचेजेस है 111,930 का और उसके बाद हमारे पास है फ्रेट इन जो कि 500 का है ठीक है तो हम इन तीनों अकाउंट्स को क्लोज करने जा रहे हैं इनटू टू अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड सीजीएस एंडिंग इन्वेंट्री का डेटा उन्होंने दिया हुआ 13,000 ठीक है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस भी दिया हुआ है जो कि हमारा 200 है तो हम अपने टोटल जो क्रेडिट है उसमें से डेबिट बैलेंस को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आएगा 121,230 एंड दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके So this is the way in which we have to recognize the value of merchandise inventory. तो उसने कहा था हमारे पास 13,000 की इन्वेंट्री बच गई है ठीक है तो अब हम इसका देखते हैं कि हमारा इनकम स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या है जी हमारे पास सेल्स है 170,000 के जबकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस है 6,000 के तो वो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे वी आर हैविंग नेट सेल ऑफ 164,000 अब हम इसमें से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओके ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 22,000 का एड करेंगे इसमें परचेजेस द आइटम विच यू हैव परचेज ड्यूरिंग द करंट मंथ जो कि है 111,930 उसमें से 200 के हमने रिटर्न कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 111,730 फिर हमने 500 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं फ्रेट इन चार्ज पे किया है तो हमारे पास डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस आई 112,230 तो ये जो 112,230 है दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द गुड्स विच वी हैव परचेज इन द करंट ईयर और जो 22,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है दीज आर द आइटम विच यू हैव परचेज इन द लास्ट ईयर सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक द सम ऑफ टू वैल्यू इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विच इज इक्वल टू 134,230 ओके अब इसमें से हम माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज को 13,000 का है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 121,230 अब सिर्फ मैं बात आपको छोटी सी यहाँ पर समझाना चाहता हूँ जरा गौर से एंडिंग इन्वेंट्री को समझिएगा हमारे पास 22,000 का सामान था शुरू पे 112,230 का हमने टोटल खरीदा तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए 134,230 इस 134,230 के सामान की डिटेल क्या है जिसमें से 13,000 का बच गया एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड तो बुनियादी तौर पर हमने जो ऊपर एडजस्टिंग एंट्री की थी उसकी भी लॉजिक यही है कि हम दो चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री वो है जो बच गई है इट इज बिकम योर एसेट जो हमने बेच दिया वो हमारा एक्सपेंस बन गया उसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह दिया तो इसका मतलब है ये जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस ट्रेड इन ट्रेड लॉन्ग इन तमाम अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट है आपका उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया परचेजेस डेबिट थे उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया ट्रेड इन डेबिट था उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया परचेज रिटर्न क्रेडिट था उसे डेबिट करके क्लोज कर दिया एंड ऑल दीज फोर अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू टू अकाउंट इन विच वन इज कॉल्ड एज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सीजीएस तो जब हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे तो देन वी सिंपली हैव टू क्लोज द सीजीएस एंड देन एवरीथिंग विल बिकम द क्लोज वन ओके तो ये इसका फिलोसफी था तो ये हमारे पास ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसको माइनस कर दें अपनी नेट सेल में से तो 42,770 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अब सैलरी एक्सपेंस है 31,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 5,000 का यूटिलिटीज एक्सपेंस है 1,800 रेंट एक्सपेंस है 6,000 का अब ये एडजस्टमेंट डेटा शुरू हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस 900 का रिकॉर्ड कर रहे हैं हमने कहा था इंश्योरेंस के हवाले से दो एस्पेक्ट होंगे वन एस्पेक्ट ऑफ इट शुड बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट सेकेंडली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000 का रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट एक्सपेंस 60 का रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट एक्सपेंसेस जो है ना वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं बाय 390 के
तो इस तरह से हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस बने वो 48,150 के हैं। जब मैं 42,770 के ग्रॉस प्रॉफिट में से 48,150 के एक्सपेंस को माइनस करता हूँ तो आई एम हैविंग एन ऑपरेटिंग लॉस विच इज 5380 नेगेटिव अमाउंट। ओके, अब हमने नोट रिसीवेबल पे 27 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया था, वो हमारी अदर इनकम होगी, तो ऑपरेटिंग लॉस में हम ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम को, तो जिससे हमारा नेट लॉस रिड्यूस कर जाता है, द अमाउंट ऑफ नेट लॉस इज 5353। ओके, चलिए अगर आप यहां तक कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग और पता लगे कि ऑन करके सो गए हैं। सर ये आप क्वेश्चन कर लें, फराज जट क्या कहती हैं, सर आपने क्या किया है? नो सर, आपने जो फाइल शेयर की थी चैप्टर 6B34 पेज की थी जिसमें प्रॉब्लम नहीं एक्सरसाइज थी, भाई पता नहीं है, मैंने आपके साथ जो शेयर किया मैं उसी में से दिखा रहा हूँ आपको, आपका जो क्वेश्चन है पूछ लें आप, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो मुझे नहीं समझ लगती है कैसे जी। एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सर ये जो आपने इसकी लास्ट एंट्री करवाई है ना, सिक्स्थ एंट्री, भाई ये जो सिक्स्थ एंट्री है ना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से, ये मेरे बच्चे आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं सीखा है कि नहीं सीखा, मैंने आप पे काफी वक्त लगाया था, आपको एडजस्टिंग जनरल एंट्री सारी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्चुअल एजुकेशन है उसके अंदर तो मैं बात आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उसके बाद आप कितना समझते हैं कितना नहीं समझते। देखो इसमें बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है, मैंने इसीलिए आपको पहले दिखाया, दोबारा से जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ देखिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 22,000 है, ठीक है, और जो इस साल हमने सामान खरीदा था उसमें से परचेज रिटर्न 200 की थी, 1,11,930 का खरीदा, 200 का वापस किया, फिर 1,11,730 का हो गया, फिर 500 के अखराजात हुए ट्रांसपोर्टेशन के, टोटल हमें सामान बना पड़ा 1,12,230। 1,12,230 का तो वो सामान है जो करंट टाइम पीरियड में खरीदा, और 22,000 का वो था जो पिछले साल में से आपको मिला, तो टोटल आपकी पॉकेट में कितना सामान है? 1,34,230। If I am going to ask a one question, what is the detail of this 1,34,230? तो आप इसमें से कह सकते हैं कि 13,000 का सामान हमारे पास बच गया, इसका मतलब है अगर 13,000 का सामान इसमें से बचा तो rest of the goods have been sold, और उनकी क्या वर्थ है? 1,21,230। तो बुनियादी तौर पे जो हमने एडजस्टिंग एंट्री की है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्लोज some of the account and we would like to put their differences into two accounts in which one is called as merchandise inventory and second is called as cost of goods sold. The status of merchandise inventory is it is an asset and cost of goods sold status is this is an expense. So, main dobara se aapko entry dikhane ja raha hu. Opening inventory trial balance mein 22,000 debit hai, maine isko credit kar diya. परचेजेस डेबिट थे मैंने क्रेडिट कर दिया, फ्रेट इन डेबिट था मैंने क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न क्रेडिट था मैंने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्लोज दीज अकाउंट एंड वेन आई विल बी एबल टू क्लोज दीज अकाउंट, अगर डेबिट होगा क्रेडिट कर दू, क्रेडिट होगा डेबिट कर दू। चलो अब ये जो क्लोजिंग है किन दो अकाउंट के अंदर हो रही है, एक का नाम है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, दिस इज माई कंसिडर एज एन एसेट, दिस इज 13,000 एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ माई बैलेंस शीट, और दूसरा मेरा जो अकाउंट है जिसमें ये डिफरेंस जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज सीजीएस एंड सीजीएस इज स्टिल ओपन एंड सीजीएस विल बी क्लोज एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेनेवर आई विल प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्री। सो जस्ट टू गो थ्रू द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सेम बुक सो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर एन एडजस्टिंग एंट्री। जी बेटा चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको भेजा हुआ है, अगर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 नहीं आया तो दोबारा से आपको मेल कर देता हूँ। पराजट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 की मैंने आपके साथ कॉपी शेयर की है कि नहीं की, जिसके अंदर सारे का सारा चैप्टर है, अगर नहीं मिला आपको मुझे बताएं, मैं दोबारा से आपको सेंड कर देता हूँ।
जी, एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस? चले अब नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे पास है बैलेंस शीट है, तो कैश हमारे पास 3000 का है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 1800 का था, उसमें से लेस एक्सपायर्ड हो गया 900 का, तो 900 की नेट अमाउंट को हमने फाइनल कॉलम में शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है 12000 रुपए के, ठीक है। उसमें से अब हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट के 360 के बैलेंस को माइनस कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि 390 का आपने अलाउंस क्रिएट किया था, तो 390 आपका क्रेडिट बैलेंस है, 30 आपका डेबिट है, तो नेट आपका क्रेडिट बैलेंस निकला 360। सो दिस 360 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आया 11640, ओके। फिर उसके बाद नोट रिसीवेबल 2000 के हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो बनता है वो 27 का है, ओके। एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 13000 के है, हमारे इक्विपमेंट 20000 के थे, 1800 की पहले डेप्रिसिएशन हुई थी, 3000 इस दफा की, तो टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 48000। तो 20 में से 48000 माइनस करें तो रिमेनिंग 15200 हो जाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, इट विल बी कंसीडर्ड एज योर टोटल एसेट 45767, ओके। आप बैलेंस शीट में देखें, अकाउंट पेएबल 10800 है, बैंक लोन पेएबल 8000 है, इंटरेस्ट पेएबल जो था आपका वो 60 है, इसी तरह से आरएच में कैपिटल गिया गिवन है 32260, उसमें से नेट लॉसेस को माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स नहीं है, अगर ड्राइंग्स होती तो उसे भी माइनस कर देते, तो रिमेनिंग जो वैल्यू है 26907 आई। तो वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ दिस वैल्यू, इन दिस वे योर टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। जी, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेक अ क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। जी, आर यू स्लीपिंग? नो सर। चलो, कोई सवाल है आप लोगों का? नो सर। चलो, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नो क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि व्हेन योर मिड टर्म एग्जाम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन? सर 29 से सुना है, आई थिंक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 29 से सुना हुआ है, ठीक है। अब आज हमारा ये जो है, अभी मैं जो इसका है ना, ये जो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने इसका सोल्यूशन डिस्कस किया हुआ है, ये अभी थोड़ी देर तक आपको ठीक करके तो इसको मेल कर देता हूँ। आप इसी क्वेश्चन को अपने सामने खोलिएगा, इसके सोल्यूशन को अपने सामने रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर, एंड इफ यू विल फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी कम अप विद द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कब कर रहे हैं फिर अब हम? नेक्स्ट वीक सर। नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं करना चाहते हम क्लास। इस हफ्ते में कितनी क्लासेस हुई हमारी अभी? दो सर, तीन सर। आज हमारी तीसरी क्लास है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी 1 जून से, तो मुझे भी 1 जून से स्टार्ट करना चाहिए था, बट एट दैट मोमेंट आई वॉज नॉट हैविंग अ मटीरियल। तो मैं मटीरियल अरेंज कर रहा था कि भाई मैंने कैसे आप लोगों के साथ टैकल करना है, डील करना है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसके पीडीएफ बनवाए हैं, तो ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ये पीडीएफ मैंने बनवाए हैं, ठीक है। तो जो है ना, अभी आप एक क्लास और ले लें कल की, ताकि इस हफ्ते की हमारी 4 क्लासेस हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट मंडे से देखेंगे, ताकि हमारा पिछला हिसाब किताब जो है वो पूरा हो। ओके सर। जी कल का बता दें, कल क्या ख्याल है? 3 बजे लें क्लास, 3 o'clock ठीक रहेगा? जी सर, 3 बजे ठीक है क्लास कल। अगर 3 बजे करना है 3 बजे करने, नहीं तो फिर 9 से 10 के दरमियान अगर आप करना चाहें। वो सर 3 बजे सही रहेगा। सर 3 बजे ही सही है। अच्छा, चलें ठीक है। वजीहुर रहमान भी कह रहे हैं, ख्वाजा मशहूर भी कह रहे हैं, तो 3 बजे कल इंशाल्लाह। टुमारो अगेन वी विल बी हैविंग अ क्लास एट व्हाट वी कैन से दैट 3 o'clock। अच्छा, दूसरा इसमें मेरा जो मशवरा है वो ये है कि जहाँ पे आप लोग अपने नाम लिखते हो ना, तो काइंडली अगर आप इसके साथ अपना रोल नंबर भी ऐड कर लो ना, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से रोल नंबर इस वक्त आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से रोल नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं फिर उनका जो रिकॉर्ड है ना उसको मेंटेन साथ साथ किए जाऊं।
ओके सर। यस सर। या तो फिर ऐसा है कि उसका दूसरा तरीके कार ये है कि आप चैट में आके अपना रोल नंबर लिख दिया करें। ओके सर। उसमें अपना रोल नंबर लिख के आगे प्रेजेंट लिख दें। ठीक है। यस सर। चले फराज जट इसमें है भाई, सुन रही है मैं मेरी बात? जी फराज जट है इस क्लास के अंदर? ये मैसेज कर रही हैं तो जी फैजी बोतला साहब अब तो क्लास खत्म हो गई, अब आपने ज्वाइन करके क्या करना है क्लास में? अच्छा जी कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह 3:00। ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।